हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल रोहिणी एसएस किचन में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सिंपल आलू की सब्जी, जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। आलू बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए आप इसे बना के बच्चों को खिलाइएगा। इसमें मैंने लिए हैं 3 मीडियम आलू, जिसको मैंने अच्छे से छील दिया है और पानी में रख दिया है। 2 हरी मिर्ची लूँगी, 1 टमाटर। देखिए, आलू को अच्छे से छील के हम धो के इसको काट देंगे, और इसको मीडियम साइज में काटना है, ना ज़्यादा बड़े ना छोटे, हम इसको मीडियम साइज में काट देंगे। ये मैंने आलू काट दिए हैं, टमाटर काट दिए हैं और हरी मिर्ची भी काट दी है। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें मैं 1.5 चम्मच तेल डालूंगी। तेल को गर्म होने देंगे हम। आप आलू की सब्जी घर पे बनाना एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है, ओनली सिंपल आलू की सब्जी है। अब इसमें राई और जीरे डाल दूँगी। देखिए, तेल आ गया है। अब इसके अंदर हरी मिर्ची डालेंगे, हल्का सा फ्राई देंगे और आलू डाल देंगे। आलू को हमें तेल के अंदर ही डालना है, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और जल्दी पक जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब इसको अच्छे से हिला देंगे हम। अच्छे से हिला के हमको इसको ढक्कन देके 1 मिनट के लिए रख देंगे। इससे क्या है ना, आलू जल्दी पक जाते हैं तेल में फ्राई होने से। तो देखिए, मैंने ढक्कन दे दिया है, अब 1 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। ये 1 मिनट हो गया है। ये देखिए, हमारा आलू अच्छे से हल्के से पक गए हैं। इसको हिला दीजिएगा अच्छे से, चिपक ना जाए। हाँ, ऐसे। और अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून मिर्ची, मिर्ची थोड़ी सी, और आधा टीस्पून नमक। आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। अब इसको अच्छे से हिला देंगे हम। अच्छे से हिला दिया है, ये देखो अच्छा कलर आने लगा है हमारी सब्जी का। अब इसको 5 मिनट के लिए हम रख लेंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं मेरे। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर से क्या अच्छी खटास आ जाती है, और बच्चों को भी ये सब्जी बहुत पसंद आती है। ये देखिए, टमाटर डालने के बाद आप अच्छे से हिला दीजिएगा। ये देखिए, हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती हो तो थोड़ा पानी और डाल दीजिए। अभी देखिए, सब्जी लगभग पक चुकी है, फिर भी हम इसको 1 मिनट के लिए और ढक्कन दे के रख देंगे। ये 1 मिनट हो गया है हमारा, इसको अब ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए, अच्छे से पक गई हमारी सब्जी। ये देखिए,
आपको अगर ग्रेवी अच्छी लगती हो तो थोड़ा पानी आप और ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ मैं। अभी सब्जी पक चुकी है, अब इसको अपन गैस बंद कर दूंगी मैं थोड़ा सा हिला के। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये सब्जी बनाई है, आप भी घर पे ट्राई बना कीजिएगा। ये देखो आलू पक गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ अच्छे से पक गई हमारी सब्जी। आलू को दबा के देख लीजिएगा, अगर वो पता चल जाएगा आपको कि पक गए हैं। ये देखिए मैंने बर्तन में निकाल दिया है, कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्जी, एकदम सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।